गोरखपुर में हिंदू युवा वाहिनी द्वारा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुरक्षित रखने के लिए निकाली गई पदयात्रा। साहबगंज से युवा हिंदू वाहिनी द्वारा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुरक्षित रखने के लिए ये पदयात्रा निकाली गई। गोरखपुर के राजघाट थाना क्षेत्र के दुर्गा मंदिर साहबगंज चौक से हिंदू युवा वाहिनी वीर शिवाजी नगर मंडल के तत्वाधान में दर्जनों कार्यकर्ता द्वारा दुर्गा मंदिर साहबगंज हित होते हुए मिर्जापुर घासी कटरा चौराहा तक पदयात्रा निकाली गई। यह पदयात्रा अयोध्या में राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई 40 दिन की सुनवाई के बाद फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया, जिसको लेकर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं द्वारा पदयात्रा निकालकर खुशी जाहिर की गई। वहीं कार्यकर्ताओं का कहना है कि बहुत जल्द फैसला आ जाएगा, हो सकता है दिवाली में उपहार स्वरूप में अयोध्या जाने का मौका मिले और रामलला के भव्य निर्माण में हमें भी एक ईंट रखने का मौका मिले। 40 दिन तक चली गई सुनवाई राम मंदिर के पक्ष में और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है राम मंदिर बनेगी। 125 करोड़ देशवासियों की यही चाहत है। इसमें हमारे हिंदू भाई भी, मुसलमान भाई भी, सभी तरह के सभी जाति और धर्मों के लोग ये चाहते हैं कि मंदिर का भव्य निर्माण हो। हमको पूर्ण विश्वास है, आदरणीय उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि ये ऐतिहासिक फैसला 125 करोड़ देशवासियों के पक्ष में ही आएगा और भव्य मंदिर राम मंदिर का निर्माण होगा। कल आप लोग को भी जानकारी हो गई होगी जहाँ तक कि फैसला सुरक्षित कर दिया गया है न्यायालय द्वारा, उसी के खुशी में हम लोग आज मिर्जापुर साहबगंज दुर्गा मंदिर से पदयात्रा निकाला गया श्री रामलला के वापस आने के। और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि मंदिर बनाने के भी उपलक्ष्य में हम लोग हर्षोल्लास में ये पदयात्रा निकाला गया है, जो कि मिर्जापुर चौराहे पे हम लोग इसको मनाए जा रहे हैं। आसपास के लोगों को मिठाइयाँ भी खिलाई जा रही हैं और हम लोग और पूरे भारतवासी और अन्य जैसे मुस्लिम वर्ग के लोग भी ऐसा चाहते थे कि वहाँ मंदिर ही बने, कुछ लोग की इच्छाएँ भी थी और हम लोग की इच्छाओं पर और हम लोग को लगता है पूर्ण विराम लगने वाला है। जल्द ही हम लोग को कुछ दिन बाद फैसला भी आ ही जाएगा हम लोग पक्ष में और इसी के हर्षोल्लास में हम लोग ये पदयात्रा निकाले हैं और श्री राम जी को हम लोग जरूर अयोध्या में बुलाएंगे।